चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग जी आई सी डबल बोन एन सिस्टम के साथ। देखिए सी डबल बोन एन सिस्टम के साथ कैसे काम करेगा, इसके लिए पहले एक रिएक्शंस को देख लीजिए। रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन्स की है। इस रिएक्शन की मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, ज़्यादा डिटेल में तो हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स में ही जाएंगे। फिलहाल आप इसको समझ सकते हैं रिएक्शन कैसे है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने सी डबल बोन ओ की रिएक्शन एच टू एन जेड से करा दी, तो होता क्या है, फिलहाल आप ऐसे समझिए कि ये एच टू ओ गायब हो गया। ये H2O गायब कैसे हुआ, ये टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म आता है एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर, वहीं समझाया जाएगा। तो यहाँ से मैंने H2O गायब करा और H2O गायब करने के बाद सीधा डबल बॉन्ड NZ जुड़ गया। अब NZ जुड़ गया, पहले मैं जड़ के बारे में बता देता हूँ जड़ क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए अगर जेड H हुआ तो आप जेड की जगह जैसे ही H रखेंगे तो स्ट्रक्चर बन जाएगा ये, इसे कहते हैं रिएजेंट। देखिए ये जेड है, ये मैंने लिखा रिएजेंट स्ट्रक्चर STR, मैंने पूरा नहीं लिखा, इसका मतलब स्ट्रक्चर होता है। फिर ये रिएजेंट नेम, फिर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर STR मतलब स्ट्रक्चर है यहाँ पर, और फिर प्रोडक्ट नेम। अब देखिए अगर मैं जेड की जगह पर H ले लेता हूँ, तो जेड की जगह H लेने पर यहाँ पर ये H आ जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। जब ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा तो इस रिएजेंट को हम बोलते हैं अमोनिया, बात क्लियर। उसके बाद यहाँ से ये H2 गायब हो जाएंगे और ये बनेगा ये प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट का आपके सामने स्ट्रक्चर है, इसका नाम है इमीन। ऐसे अगर मैं जेड की जगह आर ले लूँ तो ये कंपाउंड ऐसे बन जाएगा, इसे कहते हैं अमाइन, और फिर H2O गायब होने के कारण जेड की जगह आर आ जाएगा, तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड इमीन या फिर स्किप बेस। ऐसे अगर मैं जेड की जगह OH ले लूँ तो यहाँ OH आने पर ये स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, इसे बोला जाता है हाइड्रोक्सिल अमीन। अब जेड की जगह यहाँ पर OH आने पर प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, इसे कहेंगे ऑक्साइम। इसी तरीके से मान लीजिए मैं कहता हूँ जेड की जगह मैं NH2 ले लूँ, तो यहाँ NH2 लेने के बाद ये ऐसा हो जाएगा रिएजेंट स्ट्रक्चर NH2NH2, और हम इसे हाइड्राजीन कहते हैं। और जेड की जगह NH2 लेने पर प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, इसे हम हाइड्राजोन कहते हैं। अगर मैं जेड की जगह NH फिनाइल ले लूँ तो ये स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, इसे फिनाइल हाइड्राजीन कहते हैं। जेड की जगह NH फिनाइल लेने पर ये स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा प्रोडक्ट का, और इसे फिनाइल हाइड्राजीन कहते हैं। इसके बाद कहानी क्या है, अगर मैं जेड की जगह ये ले लूँ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल स्ट्रक्चर, तो ये जेड ऐसा हो जाएगा, इसे बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, और ये बहुत ही फेमस होता है 2,4-DNP के नाम से। 2,4-DNP क्या है, ये एल्डिहाइड कीटोन्स में हम लोग अच्छे से देखेंगे। और आपका जो जेड की जगह इसे रखने पर प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, इसे कहते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अगर जेड की जगह मैं इसे रख दूं तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, और इसे कहते हैं सेमी कार्बाजाइड। और जेड की जगह ये रखने पर जो प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर आपके सामने है ये बनेगा सेमी कार्बाजोन। अब सी डबल बॉन्ड एंड सिस्टम हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि हम लोग लोन पेयर को जीरो ग्रुप मानते हैं, लोन पेयर को भी ग्रुप में काउंट किया जाता है। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि इधर जेड है इधर लोन पेयर है, तो ये दोनों आपस में अलग हो गए, तो ये GI शो करना चाहता है। अगर ये दोनों भी आपस में अलग हो गए तो सपोर्ट मिल गया, तो GI शो होगा, बात क्लियर। ये दोनों आपस में अलग हो गए तो GI शो करना चाहता है, ये दोनों भी आपस में अलग हो गए तो सपोर्ट मिल गया, शो करेगा। अब देखिए इनकी फॉर्म के नाम क्या होंगे, अगर जेड और एच दोनों सेम साइड हुए तो इस फॉर्म को सिन कहेंगे, और अगर जेड और एच अपोजिट साइड हुए तो इस फॉर्म को एंटी कहेंगे। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे आपको पढ़ाएंगे।